एक बुढ़िया थी, उसे रसमलाई बहुत पसंद था, इसलिए उसे रसभरी कह के बुलाते हैं। लेकिन कुछ दिनों से रसभरी बुढ़िया के मन में शांति नहीं था। एक चोर रोज रोज आकर रसभरी के रसमलाई खा के चला जाता था, इसलिए रसभरी बुढ़िया एक दिन राजा के पास गई शिकायत लेकर। नदी के किनारे से जा रही थी उसी वक्त रसभरी को देखकर मछली बोली, रसभरी कहाँ जा रही हो? चोर मेरा रसमलाई खा जा रहा है, इसीलिए राजा के पास जा रही हूँ शिकायत करने। सही विचार ना मिले तो मेरे पास आना, तुम्हारा मंगल होगा। ठीक है। रसभरी कहाँ जा रही हो? चोर आके मेरा रसमलाई खा जा रहा है, इसीलिए राजा के पास जा रही हूँ शिकायत करने। सही विचार ना मिले तो मेरे पास आना, तुम्हारा मंगल होगा। अच्छा। रसभरी कहाँ जा रही हो तुम? चोर मेरा रसमलाई खा जा रहा है, इसीलिए राजा के पास जा रही हूँ शिकायत करने। सही विचार ना मिले तो मेरे पास आना, तुम्हारा मंगल होगा। ठीक है। उसके बाद रसभरी का मुलाकात हुआ एक अस्तूरे से। रसभरी कहाँ जा रही हो? चोर मेरा रसमलाई खा जा रहा है, इसीलिए राजा के पास जा रही हूँ। सही विचार ना मिले तो मेरे पास आना, समझी? ठीक है। उसके बाद चलते चलते रसभरी आ पहुँची राजमहल में। क्या हुआ, क्या चाहिए? महाराज, एक चोर आकर रोज रोज मेरा रसमलाई खा जा रहा है, इसीलिए आपसे अनुरोध है, आप उसे कठिन से कठिन सजा दीजिएगा महाराज। देखिए रसभरी, मेरे पास बहुत काम है, इसीलिए तुम्हारे फालतू के काम में समय व्यर्थ नहीं करूँगा मैं। तुम आप जाओ। दुखी होकर बुढ़िया अपने घर जा रही थी। रास्ते में चलते चलते याद आया अस्तूरा, बैल, गोबर और मछली की बात। उनके बातों के अनुसार उन्हें ले आई अपने घर। जब बुढ़िया अपने घर आई, अपने आंगन में पहुंची, तभी अस्तूरा बोला, रसभरी तुम मुझे घास के ऊपर रख दो। ठीक है। उसके बाद बुढ़िया जैसे चौखट पे पैर रखी, तभी गोबर बोला, रसभरी तुम मुझे सीढ़ी के नीचे फेंक कर रखो। ठीक है। उसके बाद बुढ़िया अपने घर के अंदर आई। घर में आने से मन मेरा शांति हो गया। रसभरी रसभरी तुम मुझे चूल्हे में रखो। तुम मुझे अपने रसमलाई के अंदर डाल दो। ठीक है, ऐसा ही करूँगी। सबके बातों के अनुसार हुआ, इधर रात हो गई। चोर रसभरी के घर में आया और रसमलाई में हाथ डाला। उसी समय, रुक चोर, तेरे हाथ में ऐसा काटा मारूंगी कि। ये क्या हुआ, हाथ में क्या काट लिया? बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा चूल्हे में सेक लेता हूँ, आराम मिलेगा। रुको चोर, तुम्हें मजा चखाता हूँ। अयो, चूल्हे में क्या है? अब मुझे रस मलाई नहीं खाना है, भगता हूँ यहाँ से। अयो, मैं फिसल कैसे गया, पैर में क्या लग गया, घास में पोछ लेता हूँ। अब मेरा काम
अयो क्या करो, चोर को पकड़ो, चोर को पकड़ो, पकड़ो 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 चोर को पकड़ो। उसके बाद गांव के लोग जब दौड़ाए तब से चोर रस मलाई खाना भूल गया और चोरी भी करना बंद कर दिया। उसके बाद रस भरी बुढ़िया भी निश्चिंत होकर रस मलाई खाने लगी। भूतों को तो मैंने बहुत दिन से तंग नहीं किया है, अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझता है। उसको तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारा जीवन भर याद रखेगा। अरे उसको क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसको भेष बदल कर सबक अच्छे से सिखाना होगा ताकि हम पे शक भी ना करे कि ये काम मैंने किया है। अरे वही तो भोदू इधर ही आ रहा है लगता है कि। अरे यार उस बुढ़ा इंसान ठेला को कैसे ठेड़ कर लेते लेते जा रहा है। ओह लगता है इसका कोई आगे पीछे देखने वाला भी नहीं है, भूखा होगा लगता है कि। अरे बेटा थोड़ा मेरा हेल्प कर दो ना। ठेला को हमारा हाथ लगा दो ताकि हम ठेला को लेके चले जाए। बेटा मदद करो बेटा हमारा। आगे जरूर मदद करेंगे दादा हम आपका। बोलिए कहाँ लेकर जाना है इस ठेला को, बताइए हमें। ये गेहूं के बस्ता को पहले ठेले के ऊपर रख देते हैं तभी ठीक रहे। अरे जा मेरा तो सारा गेहूं भुइया गिर गया। अरे मेरा ठेला गया कहाँ आखिर, ठेला तो हमने यही रखा था। अरे यार किसने लेके चला गया। ओ तो ये तेरा काम है बेटा, अभी हम तुमको इनाम देंगे। तुम ठेला लेकर आया है तो बहुत बड़ा इनाम देंगे हम तुमको, 1 लात मारेंगे तुमको अभी हम। ये ले। अरे बाप रे बाप, मैंने इनको समझाने से पहले कुछ बोलने से पहले हमको 1 लात मार दिए। छी 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 कैसा आदमी है। अरे भोदू देखो मैं हादा हूँ, मैंने ही तुमको बुद्धू बनाया हूँ। मैंने तो भेष बदल लिया था, तूने मुझे पहचाना नहीं। अब जाकर घर जाकर दवाई लगा लेना, नहीं तो कल तुमको और बुद्धू बनाऊंगा भोदू। अरे बदमाश। बोलो कैसा लग रहा है भोदू, बोलो कैसा लग रहा है। अरे बाप रे बाप, अरे बाबा। अने दे दो राम दिला दो राम देने वाला सीता। अने मैं अंडा हूँ थोड़ा पार कर दो भाई। अने दे दो राम दिला दो राम देने वाला सीता नाम। दे दो राम दिला दो राम देने वाला सीता। अने कोई है जो इस अंडा को पार कर दे। अने दे दो 1 रुपया 2 रुपया ऊपर वाले के नाम पे। इस अंधा गरीब को भाई आप सब लोगों का भला होगा भाई। अने भाई लोग मुझे पार कर दो, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है। अरे सचमुच अंधा है क्या, या तो लगता है फिर मैं बुद्धू बन सकता हूँ क्या। कोई दे दो इस गरीब को भूखा है। अने भाई लोग कुछ ध्यान दीजिए हम पे, मैं अंधा हूँ गरीब हूँ। अने कौन दिशा में चल रे भिक्षा मांगने रे भाई लोग। अरे लगता है सचमुच अंधा है,
खैर कोई बात नहीं, मैं चल कर इसका हेल्प कर देता हूँ। मैं अरे आइए आइए, मैं आपको पार कर देता हूँ। आइए आइए, थोड़ा यहाँ से बाएं आइए, नहीं नहीं थोड़ा सा और दाएं जाइए। हाँ हाँ ठीक तो आराम आराम आराम, सही है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। थोड़ा दहीं चपिए बाएं। भगवान तुमको भला करे बेटा, नाम रे रामा दिला दे दो चार पैसा रे रामा, गरीब गुरबा को रामा। अगर उसको हम हेल्प नहीं करते तो हमको बहुत बड़ा पाप लग जाता। चलो इस बार हाथों को ढूंढते हैं उसको, जब तक अच्छा सबक नहीं सिखाएंगे हमको चैन का नींद नहीं आएगा। अरे लगता है नया बैठा है, जाकर सामने से उसको देखता हूँ। अरे तो जिंदा इंसान है, पगड़ी वाला मोछदाढ़ी लगाया हुआ है। अरे ये कहीं हाडा नहीं ना है, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है, क्योंकि हाडा ही ऐसा काम कर सकता है। अरे जानबूझकर पैसा फेंक कर देखता हूँ कि पैसा ये उठाता है कि नहीं। इस पैसे को मैंने देखा है, लगता है पैसा मेरा ही है। अरे हड्डा मैं समझ गया था कि भेष बदल कर तुम ही यहाँ पे खड़ा है। तुमको मैं टेस्ट करने के लिए पैसा यहाँ पे फेंका था। ओ तो तुम्हारा इस बार लक्ष्य पूरा पकड़ा गया। अरे इस बार मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। अरे भोदू तुम मुझे इस बार क्या पकड़ोगे, भगवान राम तक भी नहीं पकड़ पाएंगे। ए बुढ़ी ए बुढ़ी, तुम मेरे रास्ते से साइड से हटो, रास्ता छोड़ो मेरा। क्या बोला तुमने? मैं तो कुछ नहीं बोला। मेरे साथ बदतमीज किए हो, तुम्हारा इतना बड़ा हिम्मत। अरे बोलो तो कुछ बोलना। अरे तुम बोलो कुछ बोलना, कुछ बोलना बोलो। अरे बाप रे बाप, अरे बोलो तुम कुछ बोलना है, बोलो कुछ बोलना तुम। अरे इस बार के लिए मुझे माफ कर दे, मैं अब ऐसा कभी काम नहीं करूंगा, इस बार के लिए प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए ना। अरे ये तो सीआईटी गोविंद ठाकुर है, लगता है इसी के हाथे हाडा पड़ गया है। अच्छा हुआ इसके हाथ से पिटाई खा गया, हमें बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अरे हाडा तुमसे बहुत अच्छा भेष लिया है। अरे तुमको अभी इस वक्त कोई नहीं पहचान पाएगा हाडा, कि ये तुम हाडा हो। अरे भोदू इस बार बहुत ज्यादा मार खा गया, अब कभी जीवन में कभी मैं भेष भूषा नहीं बदलूंगा भोदू। बहुत दर्द कर रहा है भोदू, कभी जीवन में ऐसे कभी शरारत नहीं करूंगा भोदू, कभी भेष भूषा नहीं बदलूंगा। अरे यार दोस्त लोग तुम लोग भी तो कुछ बोलो ताकि मैं कुछ सुनूं। हरिपुर के विद्यालय में पांचवी कक्षा में एक नया लड़का आया है, उस लड़के का नाम दासुरथी, प्यार से उसे सब दासु बुलाते हैं। पतला दुबला और आंखें गोल गोल, कान बड़े बड़े, सर में एक खरे खरे बाल है, जोकर जैसा लगता था। एक दिन ओ देखो दासुरथी राजसभा में प्रवेश कर रहे हैं। उसे देखकर मुझे एक कविता याद आता है। कौन सा कविता? बंदर मामा चले बाजार, सूट बूट पहन के तैयार, आंखों में चश्मा सर पे बाल। दूसरी तरफ क्लास में और एक लड़का था जो बहुत ही अच्छा था, उसका नाम था जगबंधु। बच्चे उसके पास जाते थे पढ़ाई के बारे में पूछने के लिए। जगबंधु मुझे ये सवाल बता दोगे? ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, पहले एलसीएम करो फिर उसके बाद जीसीएम, हो गया कंप्लीट। ठीक है। जगबंधु पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था, अचानक उसके मन में घमंड आया। एक दिन दासु उसके पास कुछ पूछने के लिए आया, तभी
भोला इस इंग्लिश वर्ड का मतलब बताएगा मुझे तू? अरे मैं इंग्लिश में तो पूरा जीलो हूँ, तू जाके जलधर से पूछ जा। नहीं भाई मुझे नहीं पता, तू जाके जगबंधु से पूछ, वो पढ़ने में ठीक है। जगबंधु मुझे इस इंग्लिश का मीनिंग बता दोगे तुम? मेरा कोई काम धंधा नहीं है क्या? आज तुझे इंग्लिश बता दूं, कल उसे मैथ बता दूं, रोज कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ पूछता रहता है, मैं यही करूं क्या बैठ के क्लास में? तू बहुत घमंडी लड़का है तो। रुको सर जी को आने दो, मैं बताता हूँ। सर जी देखिए ना, दासू मेरे को गंदा लड़का बोला है। क्या इतनी बड़ी बात? दासू बेंच के ऊपर कान पकड़ कर खड़े हो जाओ। तेरे से मैं बदला लेकर रहूंगा, तू मेरे को सजा दिलवाया है ना? कक्षा में इंग्लिश पढ़ाते थे विजय बाबू। जगबंधु को इंग्लिश के सर बहुत मानते थे। जब कक्षा में आते थे इंग्लिश पढ़ाने के लिए, तब जगबंधु से किताब लेते थे। जगबंधु अपना इंग्लिश का किताब दो। ए लीजिए सर। किताब किसका है? जी मेरा सर। नया सिलेबस है क्या? जी। पूरा किताब बदल गया है। इंग्लिश के किताबों में रामायण महाभारत लिख कर रखे हो, कब से ये काम कर रहे हो तुम? जी सर। क्या बेंच के ऊपर चढ़ कर कान पकड़ कर खड़े हो जाओ। ये जरूर किसी का साजिश है। आज सुबह ही मैं बैग पैकिंग करते समय ग्रीन कवर वाला इंग्लिश का बुक रखा था और स्कूल में आकर देखा कि बुक चेंज हो गया। ये मेरा साजिश था। तुम सर को कंप्लेन करके मेरे को सजा दिलवाए थे ना, इसीलिए मैं बदला लेने के लिए तुम्हारा किताब चेंज कर दिया था। ये लो तुम्हारा किताब, लो 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 अपना। उस घटना के बाद जगबंधु का घमंड टूट कर चूर चूर हो गया। देखा टीटू, इतना मजबूत सरिया को मैं अपने ताकत से टढ़ा कर दिया। ये क्या टप्पू, तुम तो सच में टढ़ा कर दिए। एक टक्कर में ही गिर गया। ओए टब्बू, तू रबड़ के पाइप को कलर करके सरिया बता रहा है, तू टीटू को बेवकूफ बना रहा है। इसका बदला मैं लेकर रहूंगा गब्बू। ओ गब्बू, मुझे टीटू के सामने ऐसा बदनाम किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं कैसे भी इसका बदला लेकर ही रहूंगा, लेकिन कैसे कैसे? एक आइडिया है मेरे पास। गब्बू बहुत दिन से मेरा डंबल चुराने का कोशिश कर रहा है, वो तो मैं अपने पीछे वाले रूम में रखा हूँ, वहीं पे मैं उसके लिए जाल बिछाऊंगा और वही उसको सबक सिखाऊंगा। अब वो गब्बू को पता चलेगा मेरे से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। अब मैं चलता हूँ। वो रहा गब्बू, आ रहा है, आने दो उसे अब। हाँ ये तो टब्बू है, ये पीछे वाला दरवाजा पे क्या कर रहा है? ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? मेरा तो डंबल सब इसमें रखा हुआ है, अगर वो गब्बू आ गया तो। नहीं नहीं, मुझे खोलना होगा, लेकिन कैसे? अच्छा टब्बू, तू इतना चलाक है, अपना डंबल तू इस कमरा में छुपाया है। रुक मैं
आ रहा हूँ। तू इस दरवाजे को नहीं खोल पाएगा टब्बू। तेरा डंपल इस कमरे से मैं निकलता हूँ। देख ये दरवाजा कैसा खुला जाता है। बचाओ, मैं दब गया। निकल निकल टब्बू, मुझे निकल। उठा इस दरवाजे को टब्बू, बचा मुझे। गब्बू अब तू ऐसे ही इस दरवाजा में दबा रहे, मैं अब तुझे नहीं बचाऊंगा। तेरा यही सही सजा है। मैं पहले से इस दरवाजे को खोल कर रखा था, अब तू इसमें दबा रहे, मैं भाग रहा हूँ। मुझे छोड़कर मत जा टप्पू, मुझे छोड़कर। देखो टप्पू, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। इसमें क्या लिखा है? व्यायाम करने का अलग अलग तरीका लिखा है इसमें, और ताकत बढ़ाने का भी। हाँ सच में? क्या? दे दे मुझे, दे दे दे। मैं लेने नहीं दूंगा तुझे। वो देखो, ये गब्बू वो देख, वो कागज उड़ कर उस साइकिल वाले के मुंह पे चिपक गया। वो चिपक गया। दिख 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 दिख, क्या हो रहा है? बोल 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 बोल, मैं तेरे वजह से गिर गया। बोल बोल, गब्बू अब तुझे जिम नहीं करना पड़ेगा। इतना मार खाने का बाद तेरा मसल ऐसा ही फूल गया होगा, तेरा सिक्स पैक बन जाएगा गब्बू। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए।